इस साल बेमौसम की बरसात की वजह से सोयाबीन की फसल पर काफी असर पड़ा है। इसके बाद भी सोयाबीन के भाव में फिलहाल कोई तेजी नहीं दिख रही। सोयाबीन की उपज इस बार जोरदार रहने की उम्मीद की जा रही है, जबकि पिछले साल का बढ़िया स्टॉक भी मौजूद है। इस वजह से सोयाबीन के भाव में आने वाले समय में कमजोरी बने रहने की आशंका जताई जा रही है। आने वाले हफ्ते में सोयाबीन के भाव में गिरावट की उम्मीद की जा रही है। इस साल सितंबर और अक्टूबर के महीने में हुई बारिश की वजह से मध्य प्रदेश और राजस्थान में सोयाबीन की फसल खराब हो चुकी है। दरअसल देश में मध्य प्रदेश सोयाबीन उपजाने वाला सबसे बड़ा राज्य है। इस बार बारिश की वजह से सोयाबीन की फसल कमजोर रह सकती है। मध्य प्रदेश के इंदौर, सागर, मंदसौर, नीमच और रायसेन जिले में मौसम की बारिश की वजह से सोयाबीन की फसल खराब हुई है और लगभग 20% बेमौसम बारिश की वजह से फसल खराब होने का आंकड़ा आया है। मध्य प्रदेश के जिन इलाकों में सोयाबीन की फसल खराब हुई है उनमें इंदौर का किशनगंज और नीमच का शाहबाद और सकतपुर, वहीं मंदसौर का नाहरगढ़ और सागर में बारा और करबना जैसे इलाके शामिल हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी सोयाबीन की फसल को काफी नुकसान हुआ है। राजस्थान में बूंदी, झालावाड़ा, कोटा जैसे इलाके में सोयाबीन की खेती की जाती है और सोयाबीन का कुल 75% राजस्थान के इन्हीं जिलों से आता है। राजस्थान में सोयाबीन की फसल का करीब 20% बेमौसम बारिश की वजह से फसल प्रभावित हुई है। शुरुआती अनुमान के मुताबिक किसानों को 675 करोड़ रुपए का नुकसान होने की आशंका है। कोटा जिले में सोयाबीन की 20% से अधिक फसल बर्बाद हो चुकी है। सोयाबीन की कमजोर फसल के बाद भी ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में सोयाबीन के भाव में तेजी की उम्मीद नहीं है। दरअसल जून 2022 में सोयाबीन के भाव में लगातार कमजोरी दर्ज की जा रही है और जून से लेकर अब तक भाव में लगातार ऊपरी स्तरों पर दबाव बना हुआ है। ऐसे में जानकार मानकर चल रहे हैं कि फिलहाल सोयाबीन में तेजी थमती हुई दिखाई दे रही है, तेजी की उम्मीद न के बराबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।